की हार हो जाती है जब जब मान लिया जाता है, जीत जब होती है जब ठान लिया जाता है। ऐसे में ऑनलाइन सिस्टम क्या भविष्य का एक बड़ा बदलाव हो सकता है शिक्षा? अभी भी ऑनलाइन एजुकेशन को सही मायने में बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं अपना नहीं पा रही हैं। अगर क्लासरूम में अगर टीचर पढ़ा रहा है, अगर स्टूडेंट उसके सामने है, तो उसकी रुचि और ऑनलाइन शिक्षा की रुचि में क्या कुछ कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ सकता है? बहुत बढ़िया कि अगर उसने लेक्चर को सीरियसली नहीं सुना, नहीं इन्वॉल्व हुआ, तो वो कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा खोने को तैयार हो जाता है। कोरोना काल में शिक्षा जगत पर बुरा प्रभाव पड़ा है। पिछले साल से विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल बंद रहे हैं, लेकिन इस बीच ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प सामने आया और शिक्षण संस्थानों ने छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया है। ऐसे में सभी शिक्षण संस्थाएं कोरोना संक्रमण के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। शिक्षा जगत में कितनी चुनौती है? क्या ऑनलाइन शिक्षा भविष्य में एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने रहेगी? क्या ऑनलाइन शिक्षा निजीकरण की तरफ ले जाएगी? कोरोना संक्रमण काल में जीएलए विश्वविद्यालय की क्या है उपलब्धियां, जानिए जीएलए विश्वविद्यालय के सीईओ नीरज अग्रवाल के साथ खास बातचीत। कोरोना काल में शिक्षा जगत में बड़ी चुनौतियां रही हैं। ऐसे में शिक्षा जगत ने अपने आप में एक बड़ा पैमाना तैयार किया है, जिसे हम कह सकते हैं ऑनलाइन शिक्षा। यानी कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली अपने आप में बदलते परिवेश में शिक्षा जगत के लिए भी एक बड़ा विकल्प बन के सामने आया है। इस वक्त हम मौजूद हैं जीएलए यूनिवर्सिटी और हमारे साथ हैं जीएलए यूनिवर्सिटी के सीईओ नीरज अग्रवाल साहब। क्या ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली का एक बड़ा विकल्प हो सकता है? क्या क्लासरूम, ब्लैकबोर्ड जैसी शिक्षा प्रणाली के अतिरिक्त ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली भी बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर हो सकती है? कोरोना काल में जिस तरीके से शिक्षा प्रणाली में बदलाव आए हैं, उस लेकर हम बात करना चाहेंगे शिक्षाविद नीरज अग्रवाल साहब से। शिक्षाविद के साथ साथ में आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से समाज में आज कोरोना संक्रमण के चलते तमाम कंजक्शन पैदा हो गए, यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्सिटी पैदा हो गई है खासतौर पर शिक्षा जगत में। सर, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, अभी भी हम सेकेंड वेव से गुजरे हैं, और कई मायनों में अगर हम बात करें तो एजुकेशन को लेकर जितनी चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, उसको लेकर ऑनलाइन शिक्षा का सिस्टम वो डेवलप हुआ है, यानी कि शिक्षा के भी मायने बदले हैं, शिक्षा जगत के भी मायने बदले हैं। ऐसे में ऑनलाइन सिस्टम क्या भविष्य का एक बड़ा बदलाव हो सकता है शिक्षा जगत में? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और सबसे खास बात यह है इसमें कि अभी भी ऑनलाइन एजुकेशन को सही मायने में बहुत सारी शिक्षण संस्थाएँ अपना नहीं पा रही हैं। ये दुर्भाग्य है, दुखद है, लेकिन चूंकि अभी एकदम से कोरोना आया और कोई तैयार नहीं था, मेरा मानना अभी यह है कि जैसा आपने खुद में सवाल किया और जवाब दिया कि वाकई एक बहुत बड़ा विकल्प है अब ऑनलाइन एजुकेशन, और ऑनलाइन एजुकेशन को हम वर्सेस ना देखें, वो ऑफलाइन एजुकेशन का एक एक्सटेंडेड मोड है। और जब मैं एक्सटेंडेड मोड की बात करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि शिक्षा चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो कल भी ब्लैक बोर्ड और ग्रीन बोर्ड और व्हाइट बोर्ड से पढ़ाई जा रही थी, और आज भी ग्रीन बोर्ड और व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड से पढ़ाई जाएगी, बशर्ते कि उसका विकल्प जो हो गया है, उसका एक तरीका जो हो गया है, वो हो गया है ऑनलाइन। अब अगर मैं जीएलए की बात करूं, तो बहुत साफ तौर पर बताना चाहता हूं कि जीएलए आज 23 साल से इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूशन रहा, तो ऑनलाइन के लिए यहाँ के जो चांसलर साहब हैं श्री नारायणदास जी अग्रवाल, कोरोना तो अब 2 साल पहले आया है, हम लोगों उनकी अध्यक्षता में लगभग 4 से 5 साल पहले से इस बात की शुरुआत कर चुके थे कि हमें ऑनलाइन मोड में जाना है। AICT हो या UGC हो, इस तरह के जो एक सेंट्रल बॉडीज़ हैं जो हम लोगों को गवर्न करती हैं, उन लोगों ने भी बहुत दिन पहले से निर्देश निकाल दिए थे, दे दिए थे कि यूनिवर्सिटीज़ 20% ऑनलाइन एजुकेशन दे। अब वो बढ़कर 40% हो गई है, जिसका GLA पूर्णतः निर्वहन कर रहा है। बेसिकली जिस तरीके से GLA शुरुआत पहले से की है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा के मायने भी चेंज हुए हैं इसमें। अगर क्लासरूम में अगर टीचर पढ़ा रहा है, अगर स्टूडेंट उसके सामने है, तो उसकी रुचि और ऑनलाइन शिक्षा की रुचि में क्या कुछ कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ सकता है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है कि आप शायद अपने बच्चों की बात से भी जूझ रहे होंगे, और बहुत सारे लोगों के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये देखता हूँ और दुख होता है कि बच्चे इस बात को बहुत सीरियस नहीं ले रहे हैं, लेकिन GLA की अगर मैं स्पेशली बात करूँ, तो बहुत साफ तौर पर बताना चाहता हूँ कि बच्चा क्लासरूम में जितना एंगेज रहता है, उतना ही क्लासरूम के बाहर भी एंगेज रहता है। GLA इस बात को इंश्योर करता है कि असाइनमेंट्स के माध्यम से, जैसे स्कूली भाषा में कहा जाता है होमवर्क, इस असाइनमेंट के माध्यम से, एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग के माध्यम से बच्चों को इंगेज करके रखता है। और वही बच्चा बाध्य होता है कि अगर उसने लेक्चर को सीरियसली नहीं सुना,
नहीं इन्वॉल्व हुआ तो वो कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा खोने को तैयार हो जाता है। तो ये इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि जहाँ पर दूसरे स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रॉब्लम आ रही है, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज बच्चे कैमरा बंद कर कर सिर्फ आवाज़ आ रही होती है, वो कुछ और काम कर रहे होते हैं, इसकी दूसरी तरफ ठीक GLA इस तरह का प्रयास करता है कि बच्चा मैंडेटरी अपने आप को कैमरे के सामने लेके आए और उसको इस तरह के असाइनमेंट्स दिए जाते हैं जहाँ पर वो बच ना सके। कोरोना काल में GLA के ऑनलाइन शिक्षा को लेकर क्या प्रयोग हैं जो GLA अभी तक उनमें सफल रहा है? मेरा मानना यह है कि हम लोगों ने सबसे पहले तो टीचर्स की ट्रेनिंग कराई, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये भी कि हमने उस विकल्प को कैसे एक साधन बनाया। हमने साधन इस तरह बनाया कि वाकई चाहे GLA यूनिवर्सिटी मथुरा की बात करें या दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, वो ऑनलाइन शिक्षा शिक्षण पद्धति के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री चांसलर नरेंद्र जी अग्रवाल जी के माध्यम से जो हम लोगों को निर्देश हुआ था, हमने 4 साल पहले से ही हमने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत इसको टीचर्स ट्रेनिंग कार्यक्रम में लाना शुरू किया। और बहुत समय पहले ही विद द ग्रेस ऑफ गॉड हम लोगों ने ढेरों टीचर्स को अपना ट्रेन कराया और यहाँ पर जो ऑनलाइन शिक्षा की एक बारीकी है वो आपने बहुत अच्छी बात पूछी साहब कि वो ऑफलाइन टीचिंग की तरह नहीं की जा सकती है, उसमें एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन चूंकि हमारे टीचर्स ट्रेंड हैं, उनको मालूम है कि ऑनलाइन शिक्षा कैसे डिलीवर की जाती है, इसलिए हम बड़ी सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कई मायनों में शिक्षा में बदलाव आया है, शिक्षा की नई जो पॉलिसी है वो भी गवर्नमेंट लागू करने जा रही है। एक चीज़ है कि सामाजिक दायरे में सामाजिक जो परिवेश है वो अभी बदला नहीं, समाज के उद्देश्य भी नहीं बदले हैं, लेकिन शिक्षा के तरीके जरूर बदल गए। तो क्या माना जाए कि शिक्षा ऑनलाइन होने की वजह से निजीकरण की ओर जा सकती है? हाँ, बिल्कुल जा सकती है। मैं इसको दूसरी तरीके से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। आज भी बायजूस जैसी और बहुत सारी जो एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं, वो आज प्रखर रूप से बढ़ रही हैं। मेरा डर जो है वो दूसरा है। मेरा डर यह है कि शिक्षा ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो उतना बड़ा फ़र्क डालती है नहीं डालती हैं, लेकिन उस शिक्षा में बच्चे में बदलाव लाने की चेष्टा कोशिश ईमानदारी से की जा रही है या नहीं की जा रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज की तारीख में जब लोग नौकरी के लिए लोग ढूंढते हैं तो उनको डिग्री है या नहीं है ये महत्वपूर्ण नहीं है, स्किल्स हैं या नहीं है वो बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। और जो भी चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों 20 साल पुरानी 40 साल पुरानी या नए आए हुए इस तरह की जो आपने कहा निजीकरण की बात कर रहे हैं, वो हों, जो बेहतर करेगा जीतेगा वही। क्योंकि आप शिक्षाविद हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, क्या मानते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा भविष्य का विकल्प बनेगी? देखिए, पूर्ण रूप से अगर मैं कहूँ कि आने वाले 10 सालों तक 15 सालों तक, क्योंकि भविष्य 50 साल आगे का भी हो सकता है और भविष्य 10 साल आगे का भी हो सकता है, तो मैं 50 साल आगे की बात तो नहीं करता, लेकिन 10 साल तक मैं देख पाता हूं कि पूर्ण रूपेण ऑनलाइन शिक्षा नहीं होने वाली है, क्योंकि एक टीचर का रोल हम नहीं हटा सकते, एक टीचर की सुपरविजन, एक टीचर की मेंटोरशिप जो है वो रहेगी। ये बिल्कुल हो सकता है कि 40% बच्चा ऑनलाइन शिक्षा ले रहा हो और 60% वो क्लासरूम में बैठ कर ले रहा हो, और मेरा मानना क्या है कि यही सही तरीका भी है। कोरोना काल में चूँकि GLA अपने आप में एक बड़ा नाम है शिक्षा जगत का, कंपेरेटिवली हम बात कर रहे हैं तो पिछले 2 सालों में GLA की कोरोना काल के अगर अवरोध की हम बात करें तो ऐसे में उपलब्धि क्या है, अभी तक क्या सिस्टम लागू किया है जिससे कि बच्चे जहां हैं वहां स्टैंड कर रहे हैं? क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शुक्रिया। ये ज़रूरी है मेरा सभी लोगों को बताना, क्योंकि GLA शिक्षण संस्थान है और वो मथुरा वासियों के लिए है, जनपद वासियों के लिए है, उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे भारत के उन बच्चों के लिए है जो एक अच्छी शिक्षा को ढूंढते हैं। सबसे खास बात यह है कि एक शेर मुझे बहुत पुराना याद आता है कि हार हो जाती है जब जब मान लिया जाता है, जीत जब होती है जब ठान लिया जाता है। तो मुद्दा यह है कि GLA के जो चांसलर हैं उन्होंने कभी हारने जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया और उन्हीं की छवि, उन्हीं की सोच, उन्हीं का स्वभाव पूरे GLA विश्वविद्यालय के लोगों पर आया है। एज ए CEO मैं अगर आपको बताऊँ तो एक बड़ी उपलब्धि हम लोगों ने ली कि एक भी दिन शिक्षण कार्य बंद नहीं हुआ, और दूसरा जहाँ पर लोग बेरोजगार हुए, बच्चे बेरोजगार हुए, वहाँ पर हम लोगों ने 400 की जगह 500 कंपनी यानी कि 100 से भी ज़्यादा कंपनीज एक्स्ट्रा बुलाई बच्चों को प्लेस करने के लिए, और मुझे लगता है ये एक बड़ी उपलब्धि है। बड़ी उपलब्धि है। ऐसे में अगर गरीब बच्चों के लिए हम बात करें, क्योंकि कोरोना ने बहुत कुछ छीना है लोगों का,
जिंदगियां छीनी है, रोज़गार छीना है, तो गरीब बच्चों की भी अपनी एक अच्छी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने की ख्वाहिश होती है। तो GLA गरीब बच्चों के लिए क्या कुछ कर रहा है ऐसे दौर में? बहुत बहुत फिर से मैं आदरणीय श्री नारायणदास जी अग्रवाल जी जो चांसलर हैं उनका नाम लेके आऊँगा। उन्होंने बहुत दिनों पहले एक बात कही थी और मैं शेर को बहुत बताता भी हूँ कि अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए, घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूँ कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो सीधी सी बात है, उन्होंने उनका ये निर्देश है कि आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि GLA हर साल चांसलर साहब के माध्यम से 5 से 7 करोड़ रुपए की बच्चों को स्कॉलरशिप देता है, और आज से नहीं बहुत पहले से देता है। और इस बार भी चांसलर साहब ने ये कहा है कि जो भी इससे सताया हुआ व्यक्ति है, बच्चा है, वो अगर पैसे की तंगी की वजह से शिक्षा नहीं ले पाएगा तो हम उसकी पूरी मदद करेंगे जैसे पिछले वर्षों में करते आ रहे हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि UPA 2 में एक दौर ऐसा आया था कि जहाँ विश्वव्यापी दौर था, वो आर्थिक मंदी का दौर था, मुझे खूब ध्यान है 2010 के आसपास का यह पूरा वो है। तो उस समय सब कुछ कंपनियों में छटनी हो गई थी, तमाम विश्वविख्यात कंपनियाँ बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी और भारत में भी उसका असर था। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, बड़े अच्छे अर्थशास्त्री थे, तो उन्होंने भारत की आर्थिक मंदी को इस तरह स्टैंड किया कि बहुत ज़्यादा असर जो विश्वव्यापी असर था वो इंडिया में नहीं दिखा। तो ऐसे ही जिस तरीके से कोरोना काल में देखा है, तमाम यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल, सब कुछ इस मोड़ पर आ गए कि बंद होने के कगार पर आ गए, बहुत बुरी स्थिति है आज भी। लेकिन GLA ने अपने आप को कोरोना की इस भयंकर आंधी में खुद को स्टैंड किया, और आज भी अगर हम बात करें तो GLA में कोरोना, क्योंकि अब एडमिशन बहुत जगह नहीं हो पा रहे हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हो पा रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं है, लेकिन GLA में आज भी एडमिशन उतने हैं। और मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि कुछ एडमिशन्स और फालतू हुए हैं, तो GLA की इस उपलब्धि में कैसे आपने सब चीज़ को मैनेज किया कोरोना के इस दौर में? देखिए, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं एक बात कहता हूँ कि कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, कभी खुशबुओं की तरह गुलों से उड़ते हैं, और ये कैचियाँ क्या खाक रोकेंगी हमें उड़ने से? हम परों से नहीं, हौसलों से उड़ते हैं। तो पॉइंट ये है यहाँ पर कि जिस काम में ईमानदारी हो, जिस काम में ये सोच हो कि कोई कमाई नहीं करनी है बल्कि समाज सेवा की नीयत से हम चीज़ों से जुड़ते हैं, वहाँ पर कितनी भी तेज़ आंधी आ जाए, बच्चों का विश्वास और उनके पेरेंट्स का विश्वास, आज आप सोचिए, आपको जानकर खुशी होगी कि 30,000 से ज़्यादा बच्चा GLA से पढ़कर निकला हुआ है, 5,000 से ज़्यादा बच्चा, विश्व की कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पर काम नहीं कर रहा हो, कई हज़ार बच्चा Fortune 500 कंपनीज में काम कर रहा है, उनके माता पिता की दुआएं, उनके माता पिता का आशीर्वाद, अपनापन किसी भी स्थिति में GLA को डगमगाने नहीं देता है। और यहाँ पर मैं बता दूँ, टीम GLA को भी मैं साधुवाद देना चाहूँगा, आज हमारे यहाँ पर लगभग 700 से ज़्यादा फैकल्टीज़ हैं और 500 से ज़्यादा नॉन टीचिंग स्टाफ है, 1200 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ईमानदारी से जुड़े हुए हैं, और हम दूसरे विश्वविद्यालयों की तरह एडमिशन लेने की दौड़ में ना तक कभी थे और ना कभी हम होंगे। हमने अपना एक व्यवस्थित नंबर सोच रखा है, उसी के लिए हम कार्य करते हैं और बड़ी ईमानदारी से कार्य करते हैं। कोरोना का दौर चल रहा है और मैं भी कई बार आपके लेक्चर्स को मैंने देखा है, यूट्यूब पर भी मैंने सुना है, और नेचुरल है सब कुछ आपका वो लेक्चर, लेकिन फिर भी पब्लिकली इस दौर में अगर देखा जाए तो लोग साइकोलॉजिकल, मानसिक रूप से कहीं ना कहीं इंडक्ट कर रहे हैं और हीन भावना उनके मन में आ रही है। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे एज ए शिक्षाविद? बहुत बढ़िया। एक तो ये है कि दो तरह की दिमाग होते हैं, दो तरह की सोच होती है, एक ये कि सब कुछ ख़राब है और एक ये कि सब कुछ अच्छा है। सब कुछ मित्रों, आज जो मैं नीरज अग्रवाल CEO GLA यूनिवर्सिटी आपके सामने बोल रहा हूँ, आपको जानकर ऐसा लगेगा कि मैं दुनिया का सबसे खुश आदमी हूँ, ऐसा नहीं है। विश्वास मानिएगा, मुझको आप जितनी ही परेशानियाँ हैं, आप जितनी ही दिक्कतें मुझे आज भी आती हैं, मैं जब 1200 लोगों के परिवार की बात करता हूँ तो आप सोचिए कितने बड़े परिवार को लेकर हम लोग चल रहे हैं। लोग जो 4 लोगों के परिवार को लेकर चलते हैं उनमें कलह होती है, उनमें परेशानियाँ होती हैं, उनमें मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से दिक्कतें होती हैं। तो आप सोचिए, जो व्यक्ति 1200, 1400, 2000 लोगों का परिवार लेकर, और अगर मैं बच्चे जोड़ लूँ तो 15,000 लोगों का परिवार लेकर चल रहे हैं हम लोग, हमें भी खासी दिक्कत है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अपने दृष्टिकोण को सही कीजिए, नज़रिया सही कीजिए, पूरी की पूरी चीज़ बदल जाएगी। इसका कोई गुरु मंत्र नहीं है, लेकिन यह तय है कि अगर आप पॉजिटिवली देख रहे हैं दुनिया को, आपको भी वैसे ही लोग जुड़ेंगे जैसे आप खुद हैं। GLA से जुड़ने के लिए नई पीढ़ी से और यंग जिनकी इच्छा है कि GLA में पढ़ें, वो ऐसे छात्रों से, ऐसे अभिभावकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे और इस दौर में?
एक शेर के माध्यम से अपनी बात को खत्म करूंगा कि आगे मैंने जो अभी पंखों से उड़ने की बात करी थी, मैं हमेशा इस शेर को बहुत तवज्जो देता हूं कि आगे वही बढ़ता है जिसके सपनों में जान होती है। ये बहुत कॉमन शेर है लेकिन आप बच्चों तक मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा कि बहुत सारी मुश्किल आ सकती है, परेशानी आ सकती है, लेकिन हम जीतन राम मांझी को देखें, हम विल्मा रेडोल्फ को देखें, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं जो बहुत नीचे से निकले। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि पैरों के नीचे और सर के ऊपर छत है और पैरों के नीचे जमीन है, जिंदगी आज भी कितनी हसीन है। आपको ये सोचने का नजरिया है आपका, मैं सिंपल ये कहूंगा कि आपको पॉजिटिव रहना है और आगे वही बढ़ता है जिसके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ रहे जेल यूनिवर्सिटी के सीईओ नीरज अग्रवाल साहब, जो के ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली पर जीएलए की अभी तक की उपलब्धियां, जीएलए जो कोरोना दौर में जीएलए ने अपने आप को जहां स्टैंड किया है, साथ ही साथ उन्होंने स्टूडेंट्स से, उनके फैमिली से भी हौसला बनाए रखने और यहाँ के एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो मोटिवेशनल उनके स्पीच हैं वो इस बात के साक्षात प्रेरणा उनसे मिलती है कि कहीं ना कहीं कोरोना में जो हीन भावना लोगों में आती है वो नहीं आनी चाहिए। और जीएलए यूनिवर्सिटी ने जिस दौर में अपने आप को स्टैंड किया है, खासतौर पर कोरोना संक्रमण काल में जो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली की हम बात करते हैं कि भविष्य में बहुत लंबे भविष्य तक ये जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली बनी रहे, लेकिन जिस दौर से हम गुजर रहे हैं जीएलए ने उस दौर में भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। न्यूज कमर पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। ये हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत जब होती है जब ठान लिया जाता है। ऐसे में ऑनलाइन सिस्टम क्या भविष्य का एक बड़ा बदलाव हो सकता है शिक्षा? अभी भी ऑनलाइन एजुकेशन को सही मायने में बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं अपना नहीं पा रही हैं। अगर क्लासरूम में अगर टीचर पढ़ा रहा है, अगर स्टूडेंट उसके सामने है, तो उसकी रुचि और ऑनलाइन शिक्षा की रुचि में क्या कुछ कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ सकता है? बहुत बढ़िया कि अगर उसने लेक्चर को सीरियसली नहीं सुना, नहीं इन्वॉल्व हुआ, तो वो कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा खोने को तैयार हो जाता है।